ए मुबारक, देखो सांप वहाँ घुस गया, देखिए तो वहाँ पे कहाँ पर वही देखिए उसी कोना में है, देखिए कोना में देखा गया है। हाँ, कोना ये मुर्गी, आई मुर्गी का बच्चा पकड़ने आया था। अच्छा अच्छा, ये मुर्गी का बच्चा यानी सांप खाने आया था। आया होगा, हमने बिरयानी नहीं खाने आया था, सांप मुर्गी का बच्चा खाने आया। चलिए देख लीजिए कोना में, देखिए दोस्तों ये डीबीसी कॉलोनी है जहाँ के लोग सांप मारना बंद कर दिए हैं। क्यों? हमारे चलते, हम स्नेक सेवर हैं, सांप बचाना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। इंसानों से सांपों को बचाना और सांपों से इंसानों को बचाना ही मेरा लक्ष्य है। तो वीडियो का आखिरी तक बने रहे, थोड़ा सा एक बार दिखलाइए कहाँ पर। देखिए 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 कोना में, देखा अच्छा कोना में, ये पीला ढामन है। हाँ, पीला 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 ढामन है। हाँ, हाँ, हाँ। ये जहरीला नहीं होता है, ये थोड़ा सा भी जहरीला नहीं है, नॉन वेनम, लेकिन बहुत ही खूबसूरत होता है ये ढामन। ये पीला ढामन इसे कहेंगे। ये देख रहे किस तरह जीभ निकाल रहा है, ये अपने जीभ से रेडिएशन, वाइब्रेशन, ध्वनि तरंग और वायु तरंग को ये फील कर लेता है। आइए इधर आइए, सांप के बारे में कुछ हम बताएंगे आप लोगों को। भूल से भी सांप को नहीं मारना है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि आहार श्रृंखला की मुख्य कड़ी है सांप। सांप क्या करते हैं? अच्छा। मेढक खास करके रैट को कम करके, माने खास करके रैट और चूहों को और मेढक को कम करने में ये महारत हासिल है। अच्छा अच्छा, ये सांप एक ऐसा सांप है जो इंसानी बस्तियों में बराबर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, डर क्यों रहे हैं आप? हैं करीब आइए मंच पर आइए, हम तो चाहेंगे कि जरा पूंछ पकड़ कर। अरे बाप, हमारे और देखिए देखिए हमारे हमारे, ये जहरीला नहीं होता है जहरीला, और ये पीला ढामन, इसे हम पीला ढामन के नाम से जानते हैं। और हर समय ये जीभ को निकाल करके रखता है, लपलपाता है। सांपों का आंख है, आंख के अंदर रेटिना नहीं है। सांपों का आंख होता है, आंख में रेटिना नहीं, इसीलिए इसे दिखलाई नहीं पड़ता है। और सांपों का कान नहीं होता, इसे सुनाई भी नहीं पड़ता। ये आपके घर में ये खास करके मुर्गी खाने के लिए आ गया था, और ऐसे कुछ नहीं है। सांप बचाइए, पर्यावरण बचा रहेगा। अच्छा। और ये पीला ढामन है, ये लगभग हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं तो 5 फीट होगा। तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सांप जो है ना ये पूंछ से ये मारता है तो सड़ जाएगा। ये बिल्कुल अंधविश्वास है, शिक्षा के बिना ही जीवन अधूरा है। सही बात, एक टाइम हम नहीं खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को खास करके एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई से जोड़ेंगे। जी, अंधविश्वासी लोग खास करके इसे कहते हैं कि ये दूध पीता है। सांप दूध नहीं पी सकता है, क्योंकि इसका जीभ फटा हुआ है, ध्यान से देखिए चीरा हुआ है। जिस प्राणी का जीभ फटा हुआ है, चीरा हुआ है, वो चूस नहीं सकता है, खींच नहीं सकता है। इसीलिए वर्ल्ड का कोई भी सांप दूध नहीं पी सकता है। इसीलिए भूल से भी नाग पंचमी, मनसा पूजा में सांपों के मुंह में दूध ना डाल दें, और नहीं तो इसे वोमिटिंग होगा, निमोनिया होगा, बुखार आएगा और सांप मर जाएगा। सांपों को मारे नहीं, ये हमारे पर्यावरण मित्र हैं। सांपों का रक्षण से होगा पर्यावरण का संरक्षण। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।